अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं स्टार्टिंग न्यूज से मैं वकील किरण नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंसाफ हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद हैं इंसाफ हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर यार मोहम्मद, जिनसे आज हम बात करेंगे और हॉस्पिटल की सहूलियात के हवाले से कि आप क्या क्या सहूलियात हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी सलाम सर। सर, सबसे पहले तो मुझे आप बताएगा कि अपनी एजुकेशन के हवाले से कि आपकी यहाँ तालीम कितनी है और तालुक कहाँ से है। देखिए, मेरी जो तालीम है वो फॉरन से है। मैंने बाहर से MD यानी मेडिसिन में MD की डिग्री की है और उसके बाद हम पाकिस्तान में जो यहाँ पे आया और यहाँ पे कराची में तकरीबन कोई 12 to 15 ईयर हो गए। इसी एरिया में हम लोगों को जो है वो मुख्तलिफ मेडिकल के शोबे में लोगों को खदमत फराहम कर रहे हैं। इसी के लिए मेरा ताल्लुक है वो खेती के डिस्ट्रिक्ट धीर से है, लोहे से। और जो हम कराची में माइग्रेट हुए उसके तकरीबन भी 22-25 ईयर हो गए। जो हम कराची में शिफ्ट हैं और यहाँ पे भी मुकीम हैं और हम आकर हम लोग। अच्छा सर, ये कहेंगे कि MBBS की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। अच्छा, दरअसल ये है कि फॉरन से जो दो या कुछ जो मतलब जो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, तकसीम है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ से MD की डिग्री होती है और कुछ MBBS की होती है। तो मेरी जो डिग्री वो फॉरन की है, वो MD की डिग्री है। वो इंटरनल मेडिसिन यानी जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है वो फॉरन की है और वो मैंने हरियाणा मेडिकल यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद यहाँ पे हमने PMDC की अप्लाई की और PMDC के पाकिस्तान कॉन्सल से हमने उसके लाइसेंस से जो है वो हमने अप्लाई यानी लाइसेंस से हमने लिया पाकिस्तान उसके कॉन्सल से। अच्छा सर, ये बताइए डॉक्टर्स कितने काम कर रहे हैं और स्टाफ कितना हॉस्पिटल में। इंसाफ हॉस्पिटल में तकरीबन कोई 100+ डॉक्टर है, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटी के डॉक्टर है, जिसमें आप जनरल सर्जरी से लेकर के नीरो से लेकर के ऑर्थोपेडिक से लेकर के पीठ से लेकर के यानी आप यूँ समझे कि हर स्पेशलिटी के 3-3, 4-4 डॉक्टर बैठते हैं। जिसमें यानी आप यूँ समझिए कि जो एक जस्ट लाइक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल में जितनी भी शोबे हैं वो तकरीबन बयक वक्त मरीज को आसानी यानी जो उसकी खिदमत है वो आसानी से हो सकते हैं। जिसमें हमारे पास जो यहाँ पे जो सहूलियात है वो ब्लड बैंक की सहूलत है, लेबॉरेटरी जो सहूलत है, एक्सरे, CT स्कैन, MRI और इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर, नर्सरी की सहूलत और मतलब ये कि जस्ट लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि जस्ट लाइक मरीज को तो सारे सहूलत मुहैया हो सकते हैं। अच्छा, एमरजेंसी सारे अच्छा यहाँ पे चूँकि दो तीन चीज़ें वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं या तो ये कि PH के पेशेंट होते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गायनी डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे अवेलेबल होती है पेशेंट के केयर के लिए। और इमरजेंसी के जो गायनी के पेशेंट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक पेशेंट ऐसे है कि जो गायनी का पेशेंट है वो घर में होम डिलीवरी हुई या फिर ये है कि छोटे सेंटर में उसकी डिलीवरी हुई, तो उसमें उसका जो है वो जैसे PPH में कहीं खून अचानक मिले या कोई टीयर बजाने टीयर हो गया, तो उसको हम कंसल्टेंट बुला करके उनका अर्जेंट बेसिस पे उसको ब्लड लगाते हैं और उसका जो है वो प्रोसीजर कराते हैं, उसको स्पाइनल दे करके ऑपरेशन थिएटर में। तो इस तरीके से जो मल्टीपल यानी आप यूँ समझे कि जो खासकर जैसे नीरू की या RTA रोड ट्रिपिक एक्सीडेंट वाले हो गए या फिर यानी कि इस तरह दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यार में आसानी उसको ट्रीट करके और अगर उसको यहाँ पर रखने की ज़रूरत है तो रख देते, अदरवाइज देन हम उसको फिर आगे मुख करते। और OPD में कितने आज हम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। OPD में हमारे पास जो हॉस्पिटल की परमानेंट फैकल्टी के लोग हैं वो तकरीबन कोई 10 लोग हैं, जिसमें से मतलब वार्ड के डॉक्टर है, ICU के डॉक्टर है, DCR के डॉक्टर है। तो ऐसे जो हमारे पास जो फैकल्टी के नहीं है, जो विजिटिंग फैकल्टी है वो तकरीबन 100+ के डॉक्टर है। अच्छा, रमजान मुबारक में पेशेंट को कोई रिलीफ दिया है। अच्छा, रमज़ान में तो ये है कि जैसे हमारा सबसे पहले हॉस्पिटल में जैसे हमने रिलीफ की बात किया तो इंसाफ हॉस्पिटल बेसिकली कराची के सबसे सस्ता तरीन हॉस्पिटल है। जैसे हम इमरजेंसी के भी लोगों से जो अपने सर्विस की फीस लेते हैं वो 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ये जो समझे कि एक बिल्कुल ही। और इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल में जो है वो हमारे पास कुछ दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से TB के एक डिपार्टमेंट है, जिसमें न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट है, ETI सेंटर है हमारे पास, हेपेटाइटिस BC का जो है हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें से हम हेपेटाइटिस BC की ट्रीटमेंट और उसके तशखीस भी आकाश करते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि इंसाफ हॉस्पिटल में जैसे हमारे पास जितने भी मल्टीपल स्पेशलिटी की या मल्टीपल शोबे आपके जो डॉक्टर बैठते हैं, जिसमें आप गेस्ट्रो के डॉक्टर ले लें, जिसमें आप ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर ले लें, जैसे हमारे पास एक गेस्ट्रो के डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर शुएब सिद्दीकी नाम है,
MMI हॉस्पिटल या फिर है कि शहर के दीगर हॉस्पिटल में उनकी 1500 रुपीज फीस है, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपीज चार्ज करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो एक आगा खान से दो तीन कंसल्टेंट आते हैं, जिसमें से डॉक्टर जीशान है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंडस हॉस्पिटल के, वो आगा खान में बैठते हैं, उनके वहाँ पे जो है 2500 रुपये फीस है और यहाँ पे 500 रुपये फीस है। इस तरीके से ये है कि हमारे पास एक डॉक्टर एहसन उद्दीन आते हैं जो बेहतरीन हेपेटोलॉजिस्ट है डाव के, वो कराची के दूसरे हॉस्पिटल में उनकी 200 फीस है, यहाँ पे उसके 700 फीस है। तो यहाँ के लोगों के लिए मतलब ये है कि हमने रमज़ान के बगैर भी हट करके लोगों का अलहमदिल्ला 100% हम रिलीफ देते थे, और देने के लिए जो अलहमदिल्ला हमने मेरे वो कोशिश भी कर रहे हैं और लगे पड़े कि लोगों को हर तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। और ड्यूरेशन बताइए कि कितने ड्यूरेशन से आप इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं? जी हमने तकरीबन 2018 में हमने स्टार्ट किया और अब जस्ट आप देखें कि उसके बाद ये सफ़र जारी है और अलहमदिल्ला दिन ब दिन इस सफ़र में हमने जो है वो मतलब लोगों को हमने शुरू OPD से किया था और उसके बाद हमने अलहमदिल्ला आज उस मकाम पे खड़े जो हमारा अलहमदिल्ला हॉस्पिटल कह के नर्सिंग कॉलेज भी है, दी हेवन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से। और हॉस्पिटल में जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया थी, अलहमदिल्ला इस बेलपुर एरिया में भी और इस पसमंदा इलाके में जो सोरावट का इलाका है या यूँ समझे कि शहर से थोड़ा सा दूर इलाका है, यहाँ पे अलहमदिल्ला इस हॉस्पिटल में दिया आपको बजा का सारे के सारी सहूलियत बासानी मिल सकती और बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में। जैसे शहर में आप जाएंगे एन आपका डाव हॉस्पिटल या फिर जो भी जो जितने हॉस्पिटल हैं हम नाम नहीं लेते, वहाँ पे एक सी टी स्कैन के चार्जेस जो है 8 से 10 हज़ार है, अलहमदिल्ला पहले 3-3.5 हज़ार रखे। इस तरीके से ये कि जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड के चार्जेस है दूसरे अस्पताल में 2500-3 हज़ार है, हमने वही 500-600-700 रुपये रखे। तो मतलब ये है कि इलाके के लिए अलहमदिल्ला जिस अब जैसे हमारे पास अभी भी आईसीयू में पेशेंट है, थोड़े चलते चलते आपको विजिट भी कराएंगे, वहाँ वो दो तीन पेशेंट हमारे पास गाँव से आए वहाँ पे उनसे 1,00,000 रुपये मांग रहे थे, दूसरे तीसरे अस्पताल में उनसे काफ़ी चार्ज मांग रहे थे वेंटिलेटर के, यहाँ पर हमने 15,000 और इस तरीके से जो है 10,000 रुपये मायूसी में उनको। नहीं बस ये है कि कुछ मेरे पेशेंट है जो बेचारे चले गए, उन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया कि भाई हम तो पोअर है या फिर हमारे पास चार्जेस भी कम नहीं, तो हमने उनको वेलकम का और यहाँ बुलाया अलहमदिल्ला। तो वही सेम ट्रीटमेंट वही सेम वेंटिलेटर उसकी सहूलत हमने यहाँ पे दिया बहुत ही मुनासिब पैसे में और पेशेंट भी खुश है अलहमदिल्ला। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंसाफ हॉस्पिटल के नाम से मंजूर कोई और हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक वगैरह है यहाँ पे? अच्छा देखिए इंसाफ हॉस्पिटल का कोई दूसरा कोई शाप और कोई और दूसरा कैंपस नहीं है, ये ओनली वाहिद इंसाफ हॉस्पिटल है, इस बेटर टाउन और सेक्टर 3 में है, यहाँ का जो है तो PB25 प्लॉट नंबर है, इसका दूसरा न कैंपस है न दूसरा कोई कैंपस है न दूसरा कोई ब्रांच है न दूसरा कोई क्लिनिक है, ये वाहिद इंसाफ हॉस्पिटल है कि जो है वो हॉस्पिटल है जो बस क्वेटर टाउन में अंदर और एक ही हॉस्पिटल है। अच्छा हमारे हमने विजिट किया जमालीपुर के काफ़ी सारे इलाके में, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है इंसाफ के नाम से, सॉरी वो क्लिनिक बना हुआ है। तो अच्छा देखिए उसमें कुछ ऐसे है कि अलहमदिल्ला ये अल्लाह के और फजली समझे कि मैंने यहाँ पे 15-20 साल गुजारे, तो मेरी अपनी एक मतलब लोग जानते हैं और बड़े लोग मतलब एक अच्छे लोग से रिलेशन है और लोगों का बड़ा ट्रस्ट है जो आते हैं, तो उस हवाले से कुछ जो लोग हमारे साथ जो काम करते हैं और उन्हें देख लिया कि डॉक्टर साहब के जो जानने वाले पेशेंट हैं या फिर ये है कि डॉक्टर साहब ने इंसाफ रखा हुआ है, तो यहाँ से वो इमरजेंसी में कुछ दिन काम करके फिर आगे पीछे जा करके उसी नाम को इस्तेमाल करते हैं या फिर लोगों को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा चाचा है या फिर कुछ बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा मामू है, तो इस तरीके से वो जो नाम को कैप्चर करते हैं, तो ये चीज़ है। तो भारत इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना उनसे हमारा कोई लेन देन है, इंसाफ हॉस्पिटल मैंने कहा कि एक ही हॉस्पिटल है, एक ही उसका जो है इदारा है और एक ही जगह कायम है, इसका दूसरे कोई शाखा नहीं। जो इस पाकिस्तान में डॉक्टर दुरिंदा वो स्पेशल हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप इस इलाके में लोगों को और ये बताया कि हुसैन वाले कितने चार्जेस देते हैं? हम यहाँ पे 3,000 ये कोई नहीं चला, ये डायरेक्ट ये इसको बोलते हैं स्पेशल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है यानी ये सिर्फ इस वक्त आपके पास गाँव में इसको स्पेशल केमिस्ट्री जो बड़े बड़े फैल करते हैं इस पर करते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें ये अच्छा तो ये मतलब ये होता है कि हमारा पास इसमें इसमें कोई एरर आता है ये काम चलाते हैं, जैसे इसमें हमारे पास मतलब 4 मशीन लग जाते हैं, अब ये हमारे पास आपको अंदाजा होना चाहिए कि तकरीबन 50-55 लाख रुपये की मशीन है, इसमें सारे हार्मोनल टेस्ट बड़े टेस्ट ये सारे टेस्ट इस पर होते हैं।
मतलब ये आप बताए ना कि ये इसको वो ना तो इलायचे जिसको कहते हैं इलायचे के टेबल, ये इलायचे के लिए छोटे मोटे लेबॉरटरी या वो नहीं कर सकते बल्कि पूरे घटा कर ही कहने ना बाकी रस्ते के बाद भी इलायचे के टेस्ट नहीं है सारे यहाँ भी भिजवाते हैं उसका इसका पता मान जी और पटेल के बाद भी ऐसे मैसे देंगे आप रिजल्ट भी करा सकते हैं और यहाँ पर हम वो 25,000 रुपये चार्ज लेते हैं हम 5,000 रुपये पर इनके मीटर निकाल लेंगे और 24 घंटे स्टाफ होता है और कुछ भी इमरजेंसी की सहूलत में हमारे पास वो आते हैं उसको फौरन ऑपरेशन की सहूलत अवेलेबल होते हैं। लोग मौजूद होते हैं जो मतलब लियारे हॉस्पिटल के वो अपने डिपार्टमेंट के HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं डॉक्टर सनी, वो इसको पूरा सिस्टम को भी में संभालते हुए ऐसे नहीं होते सारी चीज़ें। ये जो है ये इसका बैटरी भी आ रही है उसका इंडस्ट्री भी लेवल है देखो भी आ रहे हैं सारी चीज़ें उसका तो 5-6 तक हैं। उसने भेजी है वो कह रहे कि इतना मेहनत मुझे किसी भी नहीं लगा। ये देखिए ये रिच रिच था आपके हड्डी बाबा ये ऐसी जोड़ी है उन्होंने ये एलिजरा किसी अस्पताल में 4-5 लाख रुपए से कम नहीं है बाबा। ये आपका अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके कितना बड़ा ज़बरदस्त खिदमत हुआ और आपके घर के पास भी तो इधर लासी बोर्ड से पहले उधर जाता है कि उधर अस्पताल में फिर आते मेहमान के पास आते हैं ना।